नमस्कार। मकर राशि पर अगले कुछ मिनट तक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम करने वाले हैं और आपसे अनुरोध करेंगे कि जो जो अलर्ट डेट हम आपको बताएंगे उन तारीखों में से सितंबर मास में आपको बहुत सारी सावधानियां रखनी है, किन किन बातों का ख्याल रखना है उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ नकारात्मक और सकारात्मक, पॉजिटिव और निगेटिव क्या क्या आपके लिए बदलाव आ रहे हैं, तो तीन चार तारीखें खासतौर से 4 तारीख को सितंबर में आपके अष्टम भाव में जो बुध ग्रह है उसका ट्रांजिट हुआ है, ये आपके लिए पॉजिटिव होगा क्योंकि उसकी दृष्टि आपके धन स्थान पर भी होगी। साथ ही साथ अष्टम भाव में बुधादित्य योग जो बन रहा है, जब जब मंगल की दृष्टि थी आप कष्ट में थे, अष्ट ही कष्ट है, अष्टम भाव कष्ट कारक, लेकिन वो खतरा वो परेशानी अब आपकी टल चुकी है। आपके प्राक्रम भाव में नई पोजीशन क्या बनी है, 8 सितंबर को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र जो कि शनि का नक्षत्र है, मकर राशि का स्वामी शनि है और उसके ऊपर से परिभ्रमण जब होगा राहु का तो नए समीकरण बनेंगे आपके लिए और आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए जो बुध और सूर्य का बुधादित्य योग जब बनेगा भाग्य स्थान में, एक तरह का भद्र योग कह सकते हैं उसको, और ये स्थिति इसी 16 सितंबर को बनने वाली है जो आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी, नई नई आविष्कार, आपके तरक्की के मौके, बढ़िया अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एक नया समाचार और सुनिए आप। एक योग होता है, शुक्र जब अपनी ही राशि में आता है तो मालव्य योग बनाता है। मालव्य योग को ज्योतिष की भाषा में ये भी कह सकते हैं कि माल लेकर के आता है, मालव्य है, माल शुक्र है, सुख देता है। सुख देता कैसे, लग्जरियस चीजें, कार, पैसा, अच्छे आभूषण, अच्छा खान पान, उन दिनों मनुष्य को लोगों के द्वारा आमंत्रित किया जाता है, रिबन काटता है आदमी, उद्घाटन करता है, गले में माला भी डलती है। और कहां बैठा है मालवीय योग, मकर राशि के दशम भाव में होगा, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण से आप विभूषित होंगे, अच्छे अच्छे शब्दों से आपको संबोधित किया जाएगा। आजकल एक फैशन चला है, जब कई भाषण होता है तो नेता लोग कोई खुश करने के लिए जो उनके चमचे होते हैं वो बोलेंगे हमारे फला फला यशस्वी नेता, चाहे वो यशस्वी है या नहीं है, लेकिन वो तो है झूठ। लेकिन यहां सच क्या है, मकर राशि के लिए मालव्य योग आपके दशम भाव में बैठकर शुक्र अकेला बनाएगा और आपके पंचम ज्ञान बुद्धि विवेक संतान, आपकी तरक्की पॉजिटिविटी की तरफ आपको ले जा रहा है। तो इस प्रसन्नता को हम अपने पास अपने मन में दबा करके नहीं रख सकते। मकर राशि के भाई बहन बच्चे, अपने जवान किसान तथा पुलिस अधिकारी हो, चाहे टेक्नोक्रेट्स ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े पदाधिकारी, मकर राशि वाले बड़े बुद्धिमान ज्ञानी कम शब्दों में ही अपनी सारी बात कहे बैठते हैं, बिना कहे ही अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का एक अनोखा ढंग मकर राशि के पास होता है क्योंकि इसका स्वामी शनि है और शनि बड़ा गंभीर, रहस्यमयी और आविष्कार करने वाला ग्रह है, दार्शनिक प्लेनेट कह सकते हैं इसको, फिलोसफर, फिलोसफी ये सब्जेक्ट है बहुत बड़ा शनि का। अब हम इस बात को देखते हुए कि मकर राशि पर एक तो हमने बताया मंगल का इफेक्ट इतना बढ़िया है क्योंकि पहले आपके अष्टम भाव को देख रहा था, कष्ट दे रहा था, लेकिन आप छठे भाव में शत्रुओं का विनाश करेगा और
मकर राशि ही एक ऐसी राशि है संसार के अंदर जिसको मंगल अपनी प्रसन्नता, उत्साह, शक्ति, एनर्जी और पूरी ऊर्जा भर देता है, क्योंकि उच्च राशि है। और धनु के अंदर भी देता है, क्योंकि धनु में बैठकर मंगल को उच्चाभिलाषी कहा गया है ज्योतिष शास्त्र की भाषा में, क्योंकि वह उच्च की अभिलाषा करता है, कहां उधर जा रहा है, उच्च की तरफ, उच्चाभिलाषी। इसीलिए धनु राशि को महत्व दिया गया है उस दृष्टि से कि धनु में मंगल बैठने के बाद वो मकर की तरफ बढ़ेगा तो उसको पल्लवित, पुष्पित, सिंचित, पोषित, प्रसन्नचित और हर्षित, निरंतर सुख देगा मकर राशि। और साथ ही साथ मकर राशि के पंचम भाव को शुद्ध रूप से अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान, संतान की तरक्की, जिनके बच्चे नहीं है, बहुत कमेंट आते हैं मेरे यहां कब संतान होगी, या तो आपके पति या आपकी कुंडली में, पति पत्नी दोनों की कुंडली में बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान है, पंचम भाव में बृहस्पति है, या दृष्टि हो या दशा चल रही हो पंचम की, भाग्य स्थान की, लग्न की, तो पुत्र या पुत्री का लाभ, संतान का लाभ होगा, इसी वर्ष अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। अब हम नई चीज की तरफ बढ़ते हैं। मालवीय योग हमने बताया 18 तारीख को बन रहा है, साथ ही साथ मकर राशि के लिए अब नई जो योजनाएं हैं राहु और केतु जो बना रहे हैं वो आपके पराक्रम में इतना साहस भरने वाले हैं कि आप साढ़े साथी के प्रभाव को, क्योंकि अंतिम चरण में है, डाउन है, और 30 साल तक लगातार अब आपके ऊपर साढ़े साथी नहीं आएंगी। 29 मार्च को विदाई समारोह है शनि का, साढ़े साथी का, लेकिन जिन जिन मकर राशि वालों की अब राहु, बृहस्पति और शनि की महादशा चल रही है, तो बृहस्पति भले ही कष्ट दे लेकिन शनि की दशा राजा बनाएगी आपको, बुध की महादशा आपको राजा बनाएगी, भाग्य को चमकाएगी, केतु की दशा कष्ट देगी, लेकिन 20 साल शुक्र की दशा में जिंदगी के जितने सुख होते हैं, लग्जरियस चीजें, हीरा मोती, गाड़ी, नौकर चाकर, बहुत अच्छे अच्छे सेवक सेविकाएं, गाय भैंस, अच्छा खान पान, दूध दही पनीर, पौष्टिक भोजन करने को मिलेगा। अब हम अलर्ट डेट की बात कर लेते हैं। मकर राशि पर 2 और 3 सितंबर जो चला गया ये अच्छा नहीं रहा है, ये आपके एक्सपीरियंस बताएंगे, लेकिन अब आपके लिए 12, 13, 19, 20 और 21 सितंबर अच्छी नहीं रहेंगी। इन तारीखों में आपको सावधानियां क्या रखनी है, कोई बहुत बड़ी डील नहीं करनी, कोई बहुत बड़ा लेन देन नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, वाहन बहुत संभल करके चलाना है, अपने खान पान और अच्छी लाइफ स्टाइल पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ 19, 20, 21 जब चली जाएंगी उसके बाद सितंबर का महीना आपके लिए सुपर फास्ट। बाकी जो तारीखें जिनकी चर्चा हम नहीं की है अलर्ट डेट के अलावा, वो सब आपको धन मान सम्मान से सुसज्जित करने वाली तारीखें होंगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।